नोएडा सेक्टर 66 के श्रमिक कुंज लाल फ्लैट में उस समय हड़कंप मच गया जब दो महिलाओं के बीच पैसे के लेन देन के चक्कर में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। घटना की खबर जब दैनिक टाइम्स की टीम को लगी तो टीम मौके पर पहुंची और पूरा मामला जाना। वहां पता चला कि ये विवाद 700 रुपए को लेकर हुआ है। आपके साथ लड़ाई हुई थी? हाँ, मेरे साथ लड़ाई हुई थी भैया। महिला का नाम क्या था जिसके साथ हुई थी? शोभा पार्लर वाली। तो आपके बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो वहाँ जैसे उसकी शिकायत है कि जेंटों ने भी मुझे मारा, तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये गलत इल्जाम लगा रही है। अच्छा? मेरे साथ हुई थी, मैं घर पे थी। मेरे से 11 बजे आई थी यहाँ, और मैं अपने रात में 11 बज रहे थे रात के, और बिना फोन करे ना कुछ किए कुछ, और तीन चार लोग थे बाइक पे, और अब दोनों माँ बेटी थी वहाँ पे आई, आके मेरे से पहले बोला कि जो मैंने बोला है उसकी मानेगी नहीं मानेगी। मैंने क्या, मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, बात क्या थी? बात ये थी कि ये मेरी लड़की पार्लर पर जाती थी, कुछ दिन इसने काम करा तो मेरी लड़की से कहने लगी कि तू कोई क्लाइंट आएगा तो उस क्लाइंट के साथ जा, ठीक है, और तेरा 3000 रुपये में कुछ नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और तू वहाँ जा, मैं भेज रही हूँ। मेरी लड़की ने एक आध बार तो अनसुनी कर दी। फिर मेरी लड़की ने जब कहा कि क्लाइंट आया तू चली जा, मेरी लड़की बोली कि रोने लगी, वहाँ से छोड़ आई पार्लर आके घर पे। मैं बोली क्यों रो रही है, कि मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, और गलत काम होता है वहाँ पे, गलत काम करती है शोभा। भी क्या हो गया बता तो, कि मुझे वहाँ किसी के साथ भेज रही है और कुछ गलत काम करने के लिए कह रही है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं बोली मैं ठीक है अभी रुक जा, मैंने बंद करा दिया वहाँ से पार्लर, मैंने की मत जा पार्लर, हम नहीं जाने देंगे पार्लर। फिर जबरदस्ती करे, फिर कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ सामान ले लिया था मेरी लड़की ने पार्लर वहाँ से, कॉस्मेटिक की दुकान है, कुछ सामान ले लिया था मेरी लड़की ने वहाँ जाके। फिर रात में आई ये फोन कर, ये बोलने कहने लगी कि कुछ मैंने बोला चुपचाप, तो मैं बोली मैंने कि मैं नहीं मानूंगी, तो दिमाग खराब है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, है? तू तो पैसा वाली है, हम तो गरीब आदमी है भाई, हमारी तो इज्जत के सवाल कुछ है क्या है हमारे पास? रात में बता रही हूँ, रात में फिर ये तो मैं अपने पड़ोसी, मेरे पड़ोसी आ गए, पड़ोसी थे, मैं अपने पड़ोसियों को बताने लगी तो इसने मेरे मुंह पे चांटा मार दिया। अच्छा। चांटा मारा, ठीक है, चांटा मारा तो मैंने भी थोड़ा सा बालूल पकड़ लिया उसके, तो मुझे इसने गिरा लिया। फिर दो तीन लोग और आ गए, नहीं उन्होंने, उनका तो गलत इल्जाम है उनके, नहीं वो नहीं आए थे, वो नहीं आए थे, वो अलग थे, वो नहीं आए थे। अच्छा। उन पे तो गलत इल्जाम लगाया है इस लेडीज ने, हाँ गलत इल्जाम लगाया, ना वो आए ना उनका कोई वो था, बस बीच बीच आए जरूर, वो इलो कर रहे थे जो मोहल्ला पड़ोस के और लोग थे उन्होंने हटाया जरूर है, बस हाँ महिला कर रही थी, जेंट्स लोग कोई नहीं था उसमें, कोई जेंट्स लोग नहीं था। क्या हुआ था चाचा आपकी दुकान पे? कल शाम में ये ड्यूटी से आए थे, दुकान पे आए, और दुकान पे आने के बाद वो लेडीज ने इनसे बोला तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तीन बार बोलने के बाद उसने कॉलर पकड़ के रोड पे खींच ली और मारना चालू कर दिया। किसको? ये तुम्हारे पापा का नाम? रहमत अली को। रहमत अली को? हाँ जी। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं उस टाइम? यहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठी हुई? नहीं कुछ नहीं, वो कॉलर पकड़ी और कॉलर पकड़ के यहाँ खींच ली, शर्ट फाड़ दिया और मारपीट चालू कर दी, फिर ये जान छुड़ा के भागे यहाँ से। हाँ। और वो लेडी जैसे आई यहाँ, हाँ, बोली तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे तीन बार बोलने के बाद उसने कॉलर पकड़ के यहाँ पर कॉलर पकड़ के खींच के हाथापाई मारपीट चालू कर दी, फिर ये जान छुड़ा के मुश्किल से भाग। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें लोग बाग में बचाव नहीं किया? बचाव कौन लेडी से भिड़ता? अगर बचाव वाली कोई मर्द होता तो उसे हम छोड़ देते क्या? सही बात है, लेडीज से हम हाथ लगाते, वो भी गलत है, क्या है नहीं है तो हाथ थोड़े लगाते। उन्होंने जब लेडीज मार रही थी तो उन्होंने तो कुछ किया था कि नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, वो अपना जान बचा के वो निकले हैं यहाँ से, बस बस जी। क्या हुआ था? आप नहीं रहते हैं? जी सामने ही रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ था इस दुकान के सामने? बस इतना देखो, वहाँ के ड्यूटी से आके बैठे, इतने में आके उनसे पूछी उन्होंने कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, उन्होंने बोला मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ, इतने में उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, फिर उनको पूरी गली में दौड़ा मारा। हाँ, तो इसमें किसी ने रोका आपने लोगों ने? इतना मौका ही नहीं मिला किसी को रोकने का, वो यहाँ से उठ के भागे, और ऐसे हर आदमी बचने की कोशिश करता है, कल कोई भी इल्जाम लगा सकती है, तो इसलिए वो बहुत तेज भागी, अंदर लेके भागी, वो अंदर जाके वो उनको मारा पिटा, पहले तो यहीं पे हाथ छोड़ दिया था उन्होंने उनको, यहीं भी छोड़ दिया, फिर अंदर भी मारा। हाँ, अंदर एक गली में दौड़ा के लेके गए उस लेडीज ने, फिर हाँ उस लेडीज ने, फिर हम दौड़ के गए देखने के लिए भी, इतने में भाग के मैं क्या हुआ था करी कि इसको मैं जेल भेजूंगी। लेडीज का नाम शोभा था? शोभा है, लेडीज का नाम शोभा जी, शोभा है। परसों की लड़ाई में तो कोई नहीं, उसको मारा पीटा नहीं है, 11 बजे आई तो हमने बीच बचाव कर दिया थोड़ा बहुत। लेडीज का कहना है कि जेंट्सों ने मेरे ऊपर हाथ, जेंट्स कोई भी नहीं था भैया, दो तीन चार लेडीज थी, कोई भी जेंट्स नहीं था उस जगह पे, सब अपने अपने घर में, सब ड्यूटी करके आते हैं, थके थकाए खाना खा के सो जाते हैं,
फिर फालतू में ही रहमत अली उन पे हाथ उठा दिया। फालतू का वहाँ तक दौड़ा के ले गई। अच्छा हाँ, कोई भी नहीं। अब अभी दो दिन बाद इससे देखिए लड़ाई हुआ किसी और से, बगल वाली पड़ोसी से। हाँ। मेरे शौहर कुछ नहीं किया, मेरे शौहर घर में थे। हाँ। और कोई इतना छोराया नहीं, कुछ कर रहा है घर में बैठे है। झूठ मूठ का नहीं पहचान, न जाना कुछ नहीं। और जो है से कल परसों होके मेरे आदमी को कॉलर पकड़ के भगा रहा है। अच्छा। तो सरकार का यही सिखाती है कि किसी गैर मर्द को, इंसान मर्द को, कोई औरत आवारा लखेरी भगाते रहे, यही सिखाता है। और पुलिस पकड़ लिया झूठ मूठ के, छोड़ नहीं रहा है। आपके पिताजी का क्या हुआ? मेरे पापा जी का नाम रहमत अली है। वो वहाँ पे मतलब हम पड़ोस की लड़ाई हुई थी तो वहाँ पे खड़े हुए थे, तो उनकी आपस में लड़ाई हुई थी तो उनको ये लगा था कि हम लोग भी उनमें शामिल है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और वो शक के भी पर उसने पापा से हाथापाई करी, पापा का नाम पुलिस स्टेशन में दिया। उसके बाद पापा कल नेक्स्ट डे शॉप पे बैठे हुए थे तो उनके साथ हाथापाई भी करी। जब ये सैटरडे नाइट था, ये सीन सैटरडे नाइट को क्या था, कल 28 तारीख थी शायद। और जब हमने कंप्लेंट करी 112 नंबर पे तो उसके बाद पुलिस वालों ने, पुलिस सर ने जो थे वहाँ पे, उन्होंने हमें बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को और जो हमारे पड़ोस में अंकल रहते थे जिनकी लड़ाई हुई थी, उनके हस्बैंड को, दोनों को थाने में बंद कर दिया। और थाना मैं गया था तो वहाँ पर उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं ली और सीधा उन्होंने बंद कर दिया। और उन्होंने टाइम दिया था आज 10 बजे का, आज 10 बजे से लेकर अभी तक 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चौकी वालों ने क्या बोला? चौकी वालों ने अब पुलिस थाने वाले बोलते हैं कि विनीत सर से मिलो, वो चौकी इंचार्ज थाने पे, उनसे मिलने यहाँ पे आते हैं। तो जो यहाँ पे कांस्टेबल सर रहते हैं यहाँ पे, वो कोई सुनवाई नहीं करते। वो कहते हैं कि यहाँ पे विनीत सर है नहीं, हम किसके पास जाएं तो जाएं, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करते हैं ये लोग यहाँ, और जो लेडीज़ है मेनली ये ब्लेम कर रही है कि हम लोगों ने इसे छेड़छाड़ किया है, हम लोगों ने इसे मारा है। हालांकि जो उसका नाम था शोभा नाम था, ऐसा हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि उसके पास एक यही विकल्प है कि इसके इसी बेस पे वो आरोप लगा सकती है, एक्यूज़ कर सकती है हमें कि हालांकि ऐसा, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। अगर हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोगों से आप बात कर सकते हो, सब ने यही सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो हम रात के लेट नाइट पर हमारे घर पर आकर के उन्होंने हंगामा वगैरह किया था और लड़ाई झगड़ा किया था, हमने कुछ किया था फिर भी हमारा नाम आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।